अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज का आपका टॉपिक है आपके सिलेबस के मुताबिक स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। यह आपकी बुक में नहीं है, इसीलिए इसको आप यहाँ पर ही समझ लीजिएगा। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। व्हाट इज़ स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, व्हाई इट इज़ यूज्ड। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले इसलिए यूज़ होता है क्योंकि हम मोस्टली डेटा को अरेंज करने के लिए फ्रिक्वेंसी टेबल यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल यूज़ करते हैं, मगर जब भी हम फ्रीक्वेंसी टेबल यूज़ करते हैं तो इसमें जो हमारी पर्सनल बहुत सारा जब डाटा इकट्ठा करते हैं तो पर्सन इंडिविजुअल डिजिट की या वैल्यू की उसकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन गुम हो जाती है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले मेथड इंट्रोड्यूस किया गया था 1977 में बाय जॉन टकी। तो बेसिकली ये होता क्या है, दिस टेक्निक ऑफर्स अ क्विक नॉवल वे फॉर साइमल्टेनियसली सॉर्टिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा सेट्स वेयर ईच नंबर इन द डाटा सेट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। मतलब के इस टेक्निक में हम कोई भी रैंडम, कोई भी एक नॉवल तरीके से, मतलब एक रैंडम तरीके से हम कोई भी डिजिट उठाते हैं तो उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसका एक पार्ट होता है स्टेम और एक पार्ट होता है लीफ। स्टेम जो होता है वो हमारे नंबर में लीडिंग डिजिट होता है, जो स्टेम होता है, और सॉर्टिंग के लिए यूज होता है, और जो लीफ होता है वो हमारा होता है जो रेस्ट ऑफ द नंबर, जो बाकी आगे हमारा नंबर बच जाता है, ट्रेलिंग, मतलब जो ट्रेलिंग आगे हमारा नंबर होता है, ट्रेलिंग डिजिट होता है, वो लीफ, लीफी पार्ट जो होता है। हम इनको से, मैं आपको ये एग्जाम्पल से ये समझाऊंगी ताकि आपको एक इजी सी एग्जाम्पल से, एक शॉर्ट एग्जाम्पल से आपको ये समझ आ जाए। सपोज हमारे पास नंबर है 243 को इसमें हमारा लीडिंग डिजिट और ट्रेलिंग डिजिट, यानी स्टेम और लीफ क्या होगी, 2 स्टेम लीफ। स्टेम इसके अंदर हमारे पास क्या होगी, जो पहला लीडिंग डिजिट होगा 2, और लीफ क्या होगी, जो आगे ट्रेलिंग, ट्रेलिंग डिजिट्स कहते हैं जो आगे जा रहे हो, मतलब जो आगे कंटिन्यू हो रहे हो, 243 हमारे पास लीडिंग ट्रेलिंग डिजिट होगा हमारे पास इसका। इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, एक सेपरेट वर्टिकल लाइन से, ऐसे ये डिस्प्ले होता है। ठीक है, हम ज़रूरी नहीं कि हम पहला सिंगल डिजिट ही उठा के उसको स्टेम बनाएं और बाकी आगे कंटिन्यूइंग डिजिट्स को लीफ बनाएं। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 24 को हम स्टेम ले सकते हैं और आगे कंटिन्यूड नंबर को हम लीफ ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 24 को हमने स्टेम ले लिया और 3 को हमने लीफ ले लिया, इसी तरह 2 को खाली हम ले सकते हैं स्टेम और 43 को लीफ ले सकते हैं। तो ये आपकी एक छोटी सी एग्जाम्पल थी, अब मैं आपको एक डिटेल एग्जाम्पल से ये समझाऊंगी। सपोज हमारे पास 30 पेशेंट्स हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं ड्यूरिंग अ वीक, ड्यूरिंग अ वीक एडमिटेड है हॉस्पिटल में। पेशेंट्स नंबर है 48, 31, 54, ये मैं लिख रही हूँ, आप लोग साथ साथ देख लें। ये आपकी बुक में टॉपिक नहीं है तो काइंडली आप इसको इधर से ही समझ लीजिएगा।
30 पेशेंट्स हैं, मैं पेशेंट्स नंबर, ये पेशेंट नंबर्स हैं जो मैं लिख रही हूँ। तो ये हमारे पेशेंट नंबर्स हैं। इसमें हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले फ्रॉम द डाटा एंड लिस्ट द डाटा इन एन अरे। मतलब कि हमने इनका स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले से डाटा को बनाना है और उसको बाद में एक उस लिस्ट को एक अरेंजमेंट में भी सेट करना है। तो इसको हम स्टार्ट ऐसे करेंगे, हम बनाएंगे जो मैंने आपको तरीका बताया था स्टेम और लीफ का कॉलम, स्टेम एंड लीफ डिवाइड उसको कैसे करते हैं कॉलम को, एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से, ठीक है, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से। हमने अब हमने यहाँ पर देखना क्या है कि जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हमने ढूंढना है इस पूरे डाटा में। यहाँ पर हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो है 12 और जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है इस डाटा में वो है 74। तो हमारा टेबल स्टेम हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट डिजिट होता है, तो हमारा जो टेबल बनेगा वो 12 और 74 के दरमियान में बनेगा। यानी स्टेम में हम 1 से लेकर 7 तक डिजिट्स डालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऐसे हमारा टेबल बनेगा। फिर हम देखेंगे कि 1 के साथ साथ हमारे पास कितने यहाँ पर डिजिट्स हैं जो 1 के साथ रिलेटेड हैं, क्योंकि 1 हमारे पास स्टेम में आ गया। अब हमने देखना है 1 के साथ रिलेटेड डिजिट्स कितने हैं, 1 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, तो जो हमारे पास उससे उसके डिजिट्स होंगे वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। 1 के साथ हमारे पास कौन सा डिजिट और कौन कौन सा इंक्लूड हो रहा है, पहला हो रहा था 8 हमारे पास हो रहा है, 12 हमारे पास हो रहा है, 1 तो हमारे पास आ गया तो हम इसका लिखेंगे 8 एंड 2। इसी तरह 2 के साथ हम देखेंगे कौन कौन से डिजिट्स रिलेटेड हैं, 2 के साथ हमारे पास 29 है, 26 है, 27 है, तो 2 हमारे पास वैसे ही आ गया, 9, 6, 7 ये हमारे पास डिजिट। इसी तरह अब हम 3 के साथ देखेंगे, तो यहाँ पे 3 के साथ सर्च करेंगे तो 3 के साथ हमारे पास 31 है, 3 वैसे ही आ गया, 1 इधर आ गया, 37 है, 3 इधर चला गया, उसका 7 इधर आ गया। इसी तरह 39 है, 30 है, 35 है, 4 का हम देखेंगे, 4 का हमारे पास 48 है, 43 है, 40 है, 42 है, 48 है, फिर से 49 है। अगर हमारे पास डबल डिजिट्स भी हो गए, अगर 48 हमारे पास दो दफ़ा भी आ गया तो हम 8 को दो दफ़ा लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास सिंगल आएगा पहला डिजिट जो हमारे पास हैं, बाकी वो वैसी लीफ में वो वैसी तरतीब से जाएंगे। 5 का हमारे पास 54 है, 51 है, 52 है, 53 है, 57 है, 58 है, 6 का हमारे पास 64 है, 61 है, 65 है, 62 है, 67 है, 68 है, इसी तरह 7 का हमारे पास 71 है, 74 है। ये हमारे पास हमारा स्टेम एंड लीफ का टेबल बन गया। अब जो हमारी दूसरी डिमांड थी क्वेश्चन की, वो हमारी डिमांड क्या थी कि उनको लिस्ट द डेटा इन एन अरे, मतलब कि उनको एक अरेंजमेंट में हमने अरेंज करना है छोटी से लेके बड़ी तक। मतलब जो हमारे पास सबसे छोटा डिजिट होगा उससे हमने स्टार्ट करना है और उसको लास्ट वाले डिजिट तक लेके जाना है। हमारे पास सबसे छोटा डिजिट क्या था, 12,
ट्वेल्थ हमारे पास सबसे छोटा डिजिट और सबसे लास्ट और लार्जेस्ट डिजिट क्या था, 74, जो हमने जिनकी बेसिस पे हमने अपना स्टेम का कॉलम बनाया था। तो हम 12 से स्टार्ट करेंगे, 12 के बाद हमारे पास बड़ा नंबर कौन सा आता है, 18। फिर हमारे पास दूसरा डिजिट क्या आ गया, यहाँ से बड़ा इजी हो जाएगा अरेंज करना अगर हम इधर से देखेंगे, हमें अलग अलग जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा। 2 के साथ यहाँ पे सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 26 आ गया, फिर 27 आ गया, फिर 29 आ गया, फिर आ गया 3 के साथ सबसे छोटा कौन सा है, 0, 30, फिर 31, फिर 35, फिर 37, फिr 39, फिर 4 के साथ हमारे पास कौन सा सबसे छोटा डिजिट है, 40, 42, 43, 48 दो दफ़ा है तो दोनों दफ़ा आएगा 48, 49। इसी तरह 5 के भी हमारे पास इसी तरह चले जाएंगे, छोटे से लेके बड़े तक, 6 के भी इसी तरह चले जाएंगे, 7 के भी चले जाएंगे। अभी मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है, वरना आप एक सीधी लाइन में दो लाइंस में भी लिख सकते हैं। इसी तरह लास्ट हमारे पास कैसे आ जाएगा, 71 and 74। तो ये हमारे पास इसी तरह से हमारे यहाँ से हमें सॉर्ट करना ज़्यादा इजी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर हम पहले पहली लाइन में जाएं ढूंढें फिर दूसरी लाइन में। इस तरह से हमारा स्टेम एंड लीफ का टेबल भी बन गया और हमारी अरेंजमेंट भी हो गई। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आप यहीं से देख लीजिए, समझ लीजिए, या आपकी बुक में नहीं है और काइंडली इसको गौर से देखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। Thank you.